हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और मैं आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही शानदार, एक नहीं बल्कि दो शानदार एजुकेशनल सोसाइटीज से जॉब्स लेके आया हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो कि आप साइट पे देख ही रहे हैं, बिशप कॉटन स्कूल शिमला। ये एक बहुत ही पुराना वेल रेपुटेड स्कूल है। हर कोई अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना पसंद करता है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस स्कूल में काम करने का भी अलग ही मजा है। सैलरी इज एक्सेलेंट, सैलरी बहुत शानदार है स्कूल की। और ये लोकेटेड है शिमला में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा जॉब्स के बारे में। और आप लोगों ने वीडियो देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज आपने लाइक जरूर करना है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि सबको इसकी इसका फायदा हो सके, सबको जॉब्स मिल सके। और अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी ज्यादा जॉब्स की जानकारियां चाहिए होंगी, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में फ्रेंड्स। और सबसे पहली जो जानकारी है आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, बिशप कॉटन स्कूल शिमला के बारे में। फ्रेंड्स, बिशप कॉटन स्कूल शिमला में रिक्वायरमेंट है पीजीटी, पीटीआई एंड रेजिडेंशियल वार्डन की। तो ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो दिस कंबाइंड रोल इज अवेलेबल विद इमीडिएट इफेक्ट एज वी लुक टू ऐड टू स्ट्रेंथ आवर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये पोस्ट निकली हुई है पीजीटी कम पीटीआई कम रेजिडेंशियल वार्डन की। अब इनके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी? एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ लाइफ इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कोचिंग का किसी मेन मेन स्पोर्ट्स प्लेड एट बीसीएस, एमपीएड होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सेलेंट स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए। द पोस्ट विल अट्रैक्ट अ कॉम्पिटिटिव पैकेज इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड अदर पर्क्स एज पर द स्कूल रूल्स। आपको खाना रहना अलग से मिलेगा, सैलरी बहुत शानदार होती है इनकी। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो इन जॉब्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, दो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन मेल करनी है इनको, टुगेदर विद और रिज्यूमे द नेम्स ऑफ टू रेफरीज, कोई भी अगर आपके रेफरेंस हैं उनका रेफरेंस देना है, एंड ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैंड फोटोग्राफ बाई 31 मार्च 2021। तो टाइम बहुत कम है, आज 29 है, तो 2 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो आप इस ईमेल एड्रेस पे secy@bishopcotton.com इस ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूम विद लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड अदर डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। अर्ली एप्लीकेशंस आर स्ट्रॉन्गली एनकरेज्ड एंड द स्कूल रिजर्व्स द राइट टू कमेंस और कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम प्रायर टू द क्लोजिंग डेट। मतलब जल्दी से जल्दी आप, जितनी जल्दी आप पहले अप्लाई करोगे, उतनी जल्दी आपका रिज्यूम यहाँ पे कंसीडर हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है इस स्कूल में काम करने की। बहुत कम यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जाता फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि ये कोरोना पेंडेमिक के बाद ये आप लोगों के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ये स्कूल के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, जहां पे वैकेंसीज निकली हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, विद्या भारती पंजाब सर्व हितकारी शिक्षा समिति। तो सर्व हितकारी सोसाइटी में कुछ वैकेंसीज निकली हैं, और इसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं इतना बता दूं, सर्व हितकारी शिक्षा समिति पंजाब, इनके बहुत सारे स्कूल हैं ऑल ओवर द पंजाब। तो आप दूसरे अपना रिज्यूम इस एजुकेशनल सोसाइटी को जरूर भेजें, क्योंकि आपको दूसरे स्कूलों में भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहाँ इनके विद्या भारती में जो छात्रों की संख्या है लगभग 50,000 है, और इनके 360 संस्कार केंद्र हैं। मतलब इनके जो स्कूल विद्यालय जो हैं 125 हैं, और संस्कार केंद्र 360 है। तो 125 विद्यालय, 125 स्कूल का मतलब है कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस स्कूल इस सोसाइटी में काम करने की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में। तो एक एक करके आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगा, वीडियो के आपने अंत तक बने रहना है इस इन जॉब्स के बारे लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है फ्रेंड्स। सर्वितकारी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब,
विद्याधाम गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू जालंधर। यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम। नंबर दो पे है कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की और गुड टाइपिंग स्किल होनी चाहिए हिंदी पंजाबी एंड इंग्लिश की अलॉन्ग विद कॉरल। तो देखिए दो वैकेंसीज हो गई अकाउंटेंट की और कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके अलावा डाटा एनालिस्ट भी चाहिए इनको जिनके पास आईटी की नॉलेज हो। अब अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना रिज्यूम इन्हें भेज सकते हैं, रिज्यूम या सीवी अलॉन्ग विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट ईमेल jobservhitkari@gmail.com पे 30 मार्च 2021 से पहले पहले। तो फ्रेंड्स अगर आप लेट भी हो जाएं तो रिज्यूम जरूर भेजें, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण सारी अपॉइंटमेंट एकदम नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए आप लोगों को शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस स्कूल में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।